दोस्तों अब आप हमें अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने रेलवे ग्रुप डी, एसएससी बैंक, अदर एग्जाम के लिए कई कोर्सेज अपलोड किए हैं, जिसको देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्ले स्टोर पर जाकर अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और मुझे आप सर्च बॉक्स में सर्च करके मुझे फॉलो कर पाएंगे, जहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा रेलवे ग्रुप डी अदर एग्जाम के लिए, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों मैं आज से डेली आपको रीजनिंग का एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ होंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो दोस्तों डेली का डेली मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा रीजनिंग का, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में ए सी ई को 9 लिखते हैं और ए जी ई को 13 लिखते हैं, तो फेस का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ए सी ई का मान 9 कैसे आया और इसका 13 कैसे आया। तो देखते हैं, तो ए की वैल्यू क्या होती है, एक, तो एक लिख दिया यहाँ पे। सी की वैल्यू होती है 3, 3 लिख दिया, और ई की वैल्यू होती है 5, यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर इन तीनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 9। तो हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया कि ये 9 कैसे आया। इसी प्रकार 13 भी आया होगा। ए की वैल्यू 1 आया होती है, जी की वैल्यू होती है 7, ई की वैल्यू होती है 5, इन सबको ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 13। इसी प्रकार हम लोग फेस की वैल्यू रख के ऐड कर देंगे। एफ की वैल्यू होती है 6, ए की वैल्यू होती है 1, सी की वैल्यू जो होती है वो होती है 3, और ई की वैल्यू होती है 5। इन चारों को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो फेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, ये देखिए ऑप्शन सी 15, और ये क्वेश्चन आया था 2016 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लब का कूट जो होता है 27 हो तो कम का कूट क्या होगा? तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि लब का कोट जो कोड आया है 27 कैसे आया। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, लब को ऐसे लिखेंगे, एल की वैल्यू लिखेंगे 12, ओ की वैल्यू होती है 15, बी की वैल्यू लिखेंगे 22, ई की वैल्यू 5, इन चारों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 54। अब 54 में हम लोग अगर 2 का डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 27। तो हमें पता चल गया कि ये 27 कैसे आया। इसी प्रकार हम लोग कोट कम का भी निकाल लेंगे, तो कम में सी की वैल्यू होती 3, ओ की वैल्यू 15, एम की वैल्यू 13, और ई की वैल्यू 5, इन चारों को ऐड कर देंगे 36 आ जाएगा। इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 18। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 18 हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2014 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिसिंग नंबर का। तो दोस्तों जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें, और कमेंट जरूर बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा वीडियो लगा। तो इसमें यहाँ पे हमें निकालनी पड़ेगी वैल्यू कि क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद निकालेंगे। देखिए अगर 4 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो कितना हो जाएगा, 8, अगर 8 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। देखिए एक हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया। इसी प्रकार 7 की वैल्यू, 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 14, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। मतलब इसमें डिक्रीज इंक्रीज का ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो इसी प्रकार 15 में मल्टीप्लाई 2 का करेंगे और 1 घटा देंगे, 29, और 29 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो हो जाएगा हमारा 58, 58 में 1 ऐड करेंगे 59, फिर 59 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 118, 118 में 1 डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 117, फिर 117 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 117 इंटू 2 234, 234 में 1 ऐड करेंगे 235। इसी प्रकार 235 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 470, 470 में 1 हम लोग माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 469। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि नक्षत्र को ग्रह कहा जाए, ग्रह को उपग्रह कहा जाए और उपग्रह को मंदाकिनी कहा जाए, मंदाकिनी को धूमकेतु कहा जाए,
तो पृथ्वी को कौन से वर्ग के अंतर्गत रखा जाएगा या वर्गीकरण होगा। तो दोस्तों इस टाइप का अगर क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले लास्ट में हम लोग जाएंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो हम लोग पृथ्वी को उठाएंगे। तो पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लैनेट। तो पृथ्वी एक प्लैनेट है, ग्रह है। तो हम लोग देखेंगे ग्रह को क्या कहते हैं। तो नक्षत्र को ग्रह कहा जाता है, तो ग्रह को उपग्रह कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपग्रह। तो आंसर बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, उपग्रह। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ए बी जे कामा ई एफ वाई कामा आई जे एक्स कामा ओ पी डब्ल्यू, तो यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक चेन बनाएंगे, ए को ई से कनेक्ट करेंगे, ई को आई से और आई को ओ से, इसी प्रकार बी को एफ से, एफ को जे से और जे को पी से, फिर जेड को वाई से और वाई को एक्स से और एक्स को डब्ल्यू से। ये देखिए ए से बी तक पहुंचने में कितना ऐड किया गया, प्लस चार। ओके, फिर ई से आई तक पहुंचने में कितना किया, प्लस चार किया गया। फिर आई से ओ तक पहुंचने में प्लस सिक्स। ओके, फिर हम लोगों को नेक्स्ट वाली जो नेक्स्ट वाला कंडीशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ओ की वैल्यू कितनी होती है, पंद्रह, और पंद्रह में हम लोग कितना जोड़ें कि ओ यू आ जाए। तो देखिए पहले दो बार चार चार आया, उसके बाद दो बार छः छः आया, तो इसमें दो ऐड कर दिया, तो छः के बाद दो ऐड कर देंगे पंद्रह में, छः में दो ऐड करेंगे आठ आ जाएगा। तो पंद्रह और आठ कितना हो जाएगा, 23। तो 23 किसकी होती है, तो दोस्तों ओ की वैल्यू जो 15 होती है, 15 में 6 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। तो 21 होती है यू की। इसी प्रकार हम लोग ऊपर वाले देखेंगे, बी, बी में 4 ऐड किया तो एफ आ गया, एफ में 4 प्लस ऐड किया फिर जे आ गया, फिर जे में 6 ऐड किया तो पी आ गया, 6 में पी ऐड किया तो बी आ जाएगा। इसी प्रकार जेड में 1 घटा दिया तो वाई आया, वाई में 1 घटाया तो एक्स आया, एक्स में 1 घटाया डब्लू आया, डब्लू में माइनस 1 करेंगे तो बी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यू बी बी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।